मैं खुद जो है वो एमए तक मैं समझता था कि वो वाकई मर्द मोमन मर्द हाथ से अलग। अब पता चला है तो उसने पाकिस्तान की जड़ों को सबसे ज्यादा तबाही उसने डाली, हमारी पूरी जनरेशन उसने खत्म कर दी। इसलिए जरूरी पहले तो ये है कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री सही पढ़ाई जाए, और ये जो डेलिबरेटली पॉलिटिशियंस को बदनाम करना, डिफेम करना, इंसल्ट करना, उनकी नफरत पैदा करना, इसको खत्म करना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो है, आपका क्या ख्याल है? सर मोहम्मद बिन कासिम को मैं हीरो नहीं कहता, हाँ भगत सिंह जो है वो हमारा हीरो है पंजाब का, वो हिस्ट्री है उसकी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है प्रॉब्लम्स का हल है, मगर उससे पहले सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठ के एक मिनिमम एजेंडे पे राजी होना चाहिए। अब फर्स्ट किया इलेक्शन हो जाता है, इमरान खान तो उसको 100-100 गालियां निकालता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो हार के उसको मानेगा। क्या आपको ये पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अमजद बाजवा साहब, इमरान खान के हवाले से इनके क्या नज़रियात हैं, क्या ख्यालात हैं, वही हैं जो राना सनाउल्लाह के हैं, सियासत पर इनसे बात करेंगे। गुज़श्ता दिनों हमारा जुल्किफल साहब से सरगोधा में राबता हुआ था, वहाँ मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में इमरान खान का तज़किरा किया और अमजद बाजवा साहब का भी हवाला दिया था। अमजद बाजवा साहब से सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है पंजाब में इंतखाबात का, लेकिन अमजद बाजवा साहब को ये इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अमजद बाजवा साहब पाकिस्तान की तारीख को भी थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहते हैं, पाकिस्तान की तारीख पर इनके कुछ तहफ़ात हैं, खसूसी तौर पर महमूद गज़नवी के हवाले से। इन्होंने गुज़श्ता साल वी लाग में जो बात की थी वहीं से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का, जस्टिस साकिब निसार का, जनरल फैज़ हमीद का, जनरल बाजवा का और इमरान खान का तज़किरा होता रहेगा। जनाब मोहम्मद अमजद बाजवा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फजल साहब, ये आपने मौका दिया यहाँ पे व्यूज़ एक्सप्रेस करने का। जहाँ तक पहले बात करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो जो करंट चल रहा है उसके बारे में, तो इसके बारे में यही है कि ये जो पिछले 7-8 साल में ये हाइब्रिड निज़ाम लाया गया, इस निज़ाम ने पाकिस्तान की सारा जो सोशल फैब्रिक्स है उसको इंटायरली चेंज कर दी। इतनी पोलराइजेशन जो है वो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। देखते हैं हम कि विद इन फैमिली औलाद और पेरेंट्स के दरमियान शुरू हो गई है टसल्स, डिफरेंसेस, इवन कई दफ़ा बदतमीज़ी तक नौबत आ जाती। विद इन रिलेटिव्स जो हैं वो इस तरह के डिफरेंस आ जाते, एनिमिटी में वो तब्दील हो सकते, इस तरह दोस्तियाँ आपस में ख़त्म हो रही हैं, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। पहले भी पॉलिटिक्स चलती रही है दुनिया में, बाकी मुल्कों में भी चलती, इस तरह की पोलराइजेशन कभी नहीं थी। और इसमें अनफॉर्चुनेटली पीछे जो रोल है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट का। पहले उन्होंने इनकी कॉन्फ्रंटेशन करवाते थे पीपी और नून लीग की, उनको जब समझ आई उन्होंने सीओडी किया, उसके बाद उन्होंने इस तमाशे को पॉपअप किया कि ये उनका ये मुकाबला करें, पीछे उनके अपने मोटिव्स होते हैं। इसने आके ये जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं वो, जिसमें पहले आप हिस्ट्री की बात, हमें हिस्ट्री का सही पता ही नहीं है ना, शुरू से ही गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो बड़ी ज़रूरी है अब भी अपनी हिस्ट्री को ठीक करें, लोगों को सही अपनी हिस्ट्री बताएं स्टूडेंट्स को। और हमने देखा है डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, पर उनको पाकिस्तान की पोलिटिकल हिस्ट्री का पता ही नहीं होता, उनको जो बात कहते हैं जी यार ठीक है कह रही। हम खुद, मैं खुद जो है वो एमए तक आई थिंक मैं समझता था कि वो वाकई मर्द मोमन मर्द हाथ से अलग है, मगर अब पता चला है तो उसने पाकिस्तान की जड़ों को सबसे ज़्यादा तबाही उसने डाली, हमारी पूरी जनरेशन उसने ख़त्म कर दी, जहाद के नाम के लोगों को जिलों ख्वार कर दिया, लोगों के बच्चे मरवा दिए, क्लैशन को कल्चर इधर से आ गया, सेक्टेरियनिज्म आ गया, उसने सारी नफरत उसने फेंक दिया, मतलब पूरे मुआशरे को उसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी। इसलिए ज़रूरी पहले तो ये है कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, उनकी
हिस्ट्री से ही पढ़ाई जाए, और ये जो डेलिब्रेटली पॉलिटिशियंस को बदनाम करना, डिफेम करना, इंसल्ट करना, चोर है, डाकू है, ये है, वो है, उनकी नफरत पैदा करना, इसको ख़त्म करना चाहिए। और इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि शायद ज़रूरत है कि पीएमए भी उनको वहाँ पे कोर्स में शामिल किया जाए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं, उनको वहाँ पे ग्लोरीफाई किया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। हाँ, जो गलत है उनका अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाए क्रॉस द बॉर्डर्स के, हो ये ना हो कि एग्जेम्पशन जजेस की नहीं हो सकती, जनरल्स की नहीं हो सकती। आपने कहा कि सारे जो हमारे सियासतदान हैं उनको उनके बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए। अच्छा, उसमें आप क्या एक ही साहब में खड़े कर देंगे मरियम नवाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसफ अली जरदारी को, इमरान खान को, इन लोगों को सबको? इसमें खड़े होने का मकसद किसी को ग्रेडिंग देने का या रेटिंग देने का कोई मेरा, उसका जो हक है वो लोगों को है। जब फेयर इलेक्शंस होंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस तो लोग पागल नहीं है, मीन हौसल कौम लोग बड़ा शऊर है, मैं समझता हूँ। अनपढ़ बेशक होंगे, तालीम कम होगी, मगर जब हम उनको फ्रीली मौका देंगे तो वो सही बंदे एक दफ़ा गलती कर लेंगे, जब वो देखेंगे बंदा बेईमानी कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, अगली दफ़ा उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात की, हमें तो ये बताया जाता है कि हमारे महमूद गज़नवी वो हीरो हैं, फलां हीरो हैं, आपने खसूसी तौर पर इनके बारे में एक दफ़ा बात की थी, वो क्या बात? नहीं, कोई मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी हिस्ट्री जो है वो गलत बताई जाती है। अभी महमूद गज़नवी को ये जो उधर से आते थे, जितने भी वहाँ से आए हैं, कंकरर जिसको कहते हैं, कभी हम उसको गौरी कहते हैं, कभी गज़नवी कहते हैं, कभी नादिर शाह कहते हैं, वो तो बेचारे वो उधर इकनॉमिक हालात ख़राब थे, वो डाका डालने लुटने आते थे इधर, और यहाँ लोग जो थे थोड़े से खाते पीते थे, ज़मीनें अच्छी थी, पानी शानी था, ये तो वो उनको, और जो खाता पीता होता है वो बेचारा लड़ता नहीं, वो तो पुरमन होता है, वो आग मार मूर के ले जाते सन जो होता था, वो नाम उसको देते थे कि हम वो जहाँ हम शायद वो तो नहीं देते, हमने कह दिया जो वो। अच्छा, आपकी नज़र में कुछ लोग ऐसे वो कहते हैं कि भगत सिंह हमारा हीरो है, राजा पोरस हमारा हीरो है, मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो है, आपका क्या ख्याल है? सर, मोहम्मद बिन कासिम को मैं हीरो नहीं कहता, हाँ भगत सिंह जो है भगत सिंह जो है वो हमारा हीरो है, पंजाब का वो हिस्ट्री है, उसने उसने सेक्रीफाइस किया है, उसके खिलाफ उस वक्त सुपर पावर थी, उसके खिलाफ वो खड़ा हुआ है और फांसी दी है। राजा पोरस उसको मैं ज़्यादा नहीं जानता, कहते हैं कि नहीं वही था जो उसके अंदर ये मसल फ्रीडम फाइटर्स है, अहमद खाखर था, इस तरह के डिफरेंट, उनका कभी हमने किताबों में नाम नहीं सुना, उनको ग्लोरीफाई नहीं करते, ये गौरी गोरी पढ़ाते रहते हैं हमें, मतलब जो हमारे सही हमारे हीरोज हैं वो हमें नहीं सही सिखाया जाता, पढ़ाया जाता, उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, जिन्होंने सही। हाँ जी, अमीर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के जितने बुहरान हैं, जितने सियासी मसाइल हैं, जैसे मुशर डूब गई है, जैसे दहशतगर्दी है, इस सब का हल वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक अटल हकीकत है ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो प्रॉब्लम्स का हल है, मगर उससे पहले जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठ के कि मिनिमम एजेंडे पे राजी होना चाहिए कि कौन सा इलेक्शन कमीशन जो है अनकंट्रोवर्शियल इलेक्शन कमीशन हो, जिस पर सारे हो। अब फर्स्ट किया, अब इलेक्शन हो जाता है, इमरान खान तो उसको 100-100 गालियां निकालता है चीफ इलेक्शन कमीशनर को, वो हार के उसको मारेगा, 23 सीटों में से 21 जीत गया, फिर भी वो कहता था भाई धांधली हुई है, भाई मैंने तो कोई 21 में से 40-16 सीटें जीतनी थी, 23 में से 21 जीत गया, फिर भी कहता था धांधली हो गई है मेरे से, तो उसको कौन मानेगा? ठीक है, इस तरीके से बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे जो है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, पॉलिटिशियंस है, मीडिया है, सारे बैठ के एक मिनिमम एजेंडे पे जब तक राजी नहीं होते। बट अच्छा उन्होंने किया जो COD हुआ था, इट इज़ अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट कि उस दोनों पार्टीज ने मिल के बताया, ये फैसला किया कि आइंदा से हमने एक दूसरे के खिलाफ यूज़ नहीं होना, ठीक है, हम एक दूसरे को मौका देंगे, 5 साल वो अगर करते हैं तो करे, उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे, जो जीतेगा वो उसको दूसरा एक्सेप्ट करे, और यही सिस्टम है वे फॉरवर्ड। अच्छा अमजद साहब, ये बहुत ज़बरदस्त आपने निशानदेही की है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2018 के इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ चली गई, और परामा केस में पीपल्स पार्टी इनके ख़िलाफ़ थी, ठीक है, हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उस तरीके से अमल नहीं हो सका। मैं उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो हैं, दो डिफरेंट पार्टीज है, दोनों डिफरेंट आइडियोलॉजी से, दोनों इतना उनकी अपोजिशन रही है, मैं नहीं कहता बस 100% एक दूसरे के एग्री करते होंगे, डिफरेंसेस होंगे और हुए, बट फिर भी 5 साल उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, उन्होंने 5 साल उसको एक्सेप्ट किया,
ठीक है, उसकी पार्ट जब वो दूसरा जीता है उसने जाने वाले को फेयरवेल दी, जरदारी को फेयरवेल दी, जाने वाले आर्मी चीफ को फेयरवेल दी नवाज शरीफ ने, याद है, रहीम शरीफ को फेयरवेल दे के भेजा और जरदारी को फेयरवेल दे के भेजा, सिस्टम चल पड़ा था, फिर यकदम ये जो शोशा छोड़ा इसने मुल्क तबाह कर दिया। बाकी आपने वो पोलराइजेशन की बात की है कि इस तरह से माजी में पहले कभी नहीं, आप जरा 90 की दहाई में चले जाएं, आपके साथ तो मेरा तल्लुक 80 की दहाई से है, 90 में क्या कुछ यहाँ पे होता रहा, जिस तरीके से आज PDM इमरान खान के खिलाफ है, इमरान खान उनके खिलाफ है, बिल्कुल इसी तरीके से कमोबेश इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले किस तरीके से इख्तलाफात इनके दुश्मनी में चले गए और दुश्मनी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई थी। अच्छा, अगर वो इकट्ठे बैठ सकते हैं तो आज ये सियासतदान क्यों नहीं बैठ सकते? बेसिकली मैं पहले भी कहता हूँ कि उसमें रोल शुरू से एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है ना, पहले वो पीछे रह के उनको आपस में लड़ाते रहते थे, अब इनको इसको भी लाने में उनका, पहले वो अपने आप को जिस तरह वो न्यूट्रल कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाएं, वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन ना करें, इनको अपने फैसले करने दें। इमरान खान को जब पता चल जाएगा ना कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। पहले तो उसको दर्द, मैं डीसी तरह कहता था तुम्हें, तू तेरे बाप का ये स्टेडियम में मैं नटा हुआ, उठा के स्टेडियम जलसे करता था, तेरे बाप का सब बदमाशी करता था, SSP को लटा के मारा, सबके सामने लटा के उसको मारा, याद है आपको 2014 का जो धरना हुआ था, वो बड़ा ऐसे ऐसे आया, वो फाटो था, वो ट्रेनिंग की हुई थी, बाहर कपड़ा हुआ था, वो सिंधी का था, सिंधी का, उसको पकड़ के मारा, और वहाँ गुंडे बैठाए हुए थे जो पुलिस का कार्ड चेक कर, पुलिस वाले को कहते थे ठीक है तू चला जा, इतनी बदमाशी। अच्छा, ये हमारे सियासतदानों में, बड़े बड़े सियासतदानों में ऐसी बदमाशी तो होती है, मियां नवाज शरीफ साहब ने DC को हथकड़ियाँ लगा दी थी। नहीं, वो तो मेरा मतलब है, वो तो एक होता है ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हुआ ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हुआ एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर के, ये गलत से किया, करप्शन किया, जो भी इरेगुलरिटीज, उसको वो भी एक अनएथिकल लगता है। अच्छा, आपको ये पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, इट्स जो इलेक्शन है, इट सीम्स इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इट अगर होता है तो इट विल बी द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स डिटीरियोरेट करेंगी ना कि सॉल्व होंगी। क्योंकि फर्ज किया कि दो प्रोविंस में इलेक्शन होता है, वहाँ सपोज करते हैं पीटीआई जीत जाती, अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने हैं नेशनल असम्बली के, नून लीग चाहेगी कि वो यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट हो और वो इलेक्शन फील्ड कहेंगे जी बेशक फिर ये फेयर कराएंगे, वो नहीं मानेंगे। इस तरीके से ये अगर ये हार जाता, ये नहीं मानेगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है ये, तो और वैसे भी हमारी जो इलेक्शन स्कीम है ना आइन में, उसमें ये है कि न्यूट्रल गवर्नमेंट्स हों ऑल ओवर प्रोविंस में, ऑल ओवर प्रोविंसेस में, और सेंटर में न्यूट्रल गवर्नमेंट हो, केयरटेकर गवर्नमेंट हो, वो जो है वो इलेक्शन करवाए। क्या आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया था वोट को इज्जत हो, नवाज शरीफ साहब जो फौज के बारे में तहफ़ात रखते थे वो आपके सामने हैं, इसी तरीके से इमरान खान के भी अब तहफ़ात हैं, तो ये मिल क्यों नहीं बैठते हैं कि ताकि फ़ौज के हवाले से, मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज को ये कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन कम अज़ कम ये इकट्ठे बैठ के ऐसा तो कर लें कि फ़ौज अपनी जिम्मेदारी जो उसकी है वही अदा करे, उसके आगे ना जाए सियासत में, तो इकट्ठे क्यों नहीं बैठते ये? यही है, आपको भी पता होगा जब वो इकट्ठे बैठने की बात करता है, वो कहता है मैं मोदी से तो बात कर सकता हूँ, तालिबान से बात कर सकता हूँ, आप लोग कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो भी तो यही कहते हैं, शहबाज शरीफ भी यही कहते हैं, जरदारी भी यही कहते हैं। उसने असेंबली में, नेशनल असेंबली में कहा, पहली तो स्पीच उसकी थी कि भाई बेशक आप दादरी करके आए हो, मगर अब आप आ गए हो, हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने के लिए तैयार हैं। ये शहबाज शरीफ की रिकॉर्ड पे एक दफ़ा नहीं, दो तीन दफ़ा कहा। जरदारी ने कहा कि आप आ गए हो, आप कदम बढ़ाओ, क्या इमरान खान हम आपके साथ हैं, इसने कहा तुम इसे डाकू चोर, मैं तुम्हारे साथ कैसे बैठ सकता हूँ, तो किस तरह बात होगी? इस साहब की बातें अब मैं क्या, ये फिजूल लगती है ना बात। एक बंदा घड़ी है, घड़ी गिफ्ट है, मैं आप मुझे कोई गिफ्ट पहने दे दे, मैं उसको संभाल के रखूँगा कि उसने तब वो कलाम चीज क्या उस खाना कहवा कर बनाया हुआ है उसका, बड़ा स्पेशल उसने दिया, वो बेच के खा गया। बोगस रसीद बना के इतने की बेची बेची ज्यादा है,
अच्छा ये है कि अच्छा आपकी बात को मान लेते हैं, इमरान खान ने जिस तरीके से घड़ी को बेच दिया, वो सारे के सारे पैसे जितनी की उसने बेची है या जितनी उसकी कीमत है, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो कीमत बता रही हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे ला देते हैं, आ जाते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ पर जो पैसे की चोरी का डकैती का इल्ज़ाम इमरान खान लगाते हैं, या टीटी जो हैं शहबाज शरीफ की और आसफ अली जरदारी की सरे माल वगैरह, वो भी सारा पैसा ख़जाने में आ जाता है, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान का कर्ज़ा इमरान खान की घड़ी से उतर जाएगा या उनके पैसों से उतरेगा? उसमें फ़र्क है ना, उनको 4 साल इन्होंने उनकी अकाउंटेबिलिटी की, सारे इदारे इनके साथ, जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट जितनी भी एजेंसीज थी इन्होंने इन्वेस्टिगेट थरोली किया, वहाँ से ब्रॉडशीट को हायर किए थे, पैसे दे दिए, वहाँ से कोई मिल जाए वहाँ से मिल जाए, इनको 1 रुपये की करप्शन नहीं मिली। और पाकिस्तान मेरी बात, पाकिस्तान की अदालत कोई कन्विक्ट नहीं हुआ। अच्छा, उनकी अदालत ब्रिटिश कोर्ट्स में है, ब्रिटिश कोर्ट्स हैं वहाँ, सारा क्या कहता है वो बड़ी निज़ाम है उनका, इमरान खान भी करते हैं ना, उन्होंने उनको कोई गिल्टी नहीं कहा। शहबाज शरीफ को तो जुर्माना किया, किस चीज़ का लिया भी उनसे, किस तरह की बात? वो ये बात है, अच्छा वो केस में नहीं किया, वो केस में नहीं किया। अच्छा, उस हेयरिंग का मेरे ख्याल है कोई लेट हो गए, हेयरिंग का मसला था, कोई लेट हो गया उसको जमा, केस ही केस तो उसके हक में गया, केस तो उसके हक में गया, उसको जुर्माना हुआ दूसरे को जिसने की थी, डेविड रोज जो था डेली मेरिट का उसका जो है उसको जुर्माना हुआ, जुर्माना जो शहबाज शरीफ का हुआ, नहीं जुर्माना बहुत मैंने हेयरिंग में कोई उसका वकील नहीं पेश हुआ या खुद नहीं हुआ उस तरह का हुआ, ये जो है ना दूसरी एथिकली जो है या कानूनी तौर पे उसको नहीं हुआ, जितने भी केसेस थे वो सारे में उन्होंने कन्विक्ट नहीं, उसको ऑनरेबल तरीके से जमानत में उसको कहते बरी किया। और विद इन पाकिस्तान बात आप कह रहे थे उसको उन्होंने कन्विक्ट किया, किस पे कन्विक्ट किया? अकामा क्या था, इसके बेटे की कंपनी थी तो उसमें ये डायरेक्टर था, ठीक है, उसने 10,000 रुपया इसको देना था, इसने लिया नहीं, ले सकता था लिया नहीं, पूछा इन्होंने कोई कानून बनाए इधर कानून नहीं, अच्छा वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है इंग्लैंड की वो लेके आओ, उसमें से लिखा हुआ अच्छा इस ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत आपने वो 10,000 दिरहम लेने थे वो आपने नहीं लिए, तो आपने वहाँ डिक्लेयर नहीं किया, आप सदकर्मी नहीं रहे, आपको पूरी जिंदगी के लिए फारग हो तुम, पूरी जिंदगी नहीं इस पर फोकस करना, पूरी जिंदगी के लिए आप फोकस हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ मोहतरम है अमीरुल मोमिनीन वो नवाज शरीफ, मैं इमरान खान की, अच्छा इमरान खान की बात कर रहा हूँ, उसकी बेटी सब दुनिया को वो कहती है, उसकी बीवी कहती है उसकी बेटी है, वो मानता नहीं, वो कहते नहीं अपनी साथ को मीन ये सही अतः मैं नहीं चले, ये जो चीज़ है इसको हमने डिस्कस करते ना, मरियम नवाज के किरदार क्यों नहीं ना, मरियम नवाज के किरदार को करते सामने, अगर है उसका अगर होता तो ये होते कम, नहीं उनका भी बड़ी बातें होती, कुछ बातें ही होती है ना वो कानून। अच्छा चले इस चीज़ को वो सबूत है, मेरा ख्याल इस चीज़ को मुनासिब नहीं है ज्यादा उठाना। अच्छा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जैसे क्यों नहीं इसको करते, चले इसका बहुत बड़ा इशू है, वो कल इस पर भी हो सकता है ना, करते वो उन्हें पूरी कोशिश। अच्छा, बाकी मरियम नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की सियासत को लेकर आगे जा रही हैं, आप इंतखाबात में क्या असर देख रहे हैं इसका, क्योंकि उनके जो कन्वेंशन हो एक तो इंडोर होते हैं उनके जलसे, तो दूसरा वहाँ पे हमने ये देखा है सुना भी है, या फिर हो सकता है कि हम उस मीडिया को सुनते हों जो हमारी मर्जी की खबर देता है, इतने लोग वहाँ पे ज़्यादा नहीं होते, तो इंतखाबात में आप कहाँ पे देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, वहीं पे जैसे जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे या कहीं बहुत आगे? जो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले पलड़े दोनों बराबर होने चाहिए, अच्छा वो अगर कन्विक्ट हुआ है 563 पे तनख्वाह ना लेने पे तो इसको भी होना चाहिए बेटी के नाम बताने पे, अच्छा इसने नहीं डिक्लेयर किया इसको भी जो है पूरी जिंदगी के लिए बैन होना चाहिए, या फिर ये इसको नहीं करते उसको भी रिव्यू करो, अच्छा नंबर वन के। नंबर टू, जितने देर वो अंदर रहा है ना उसकी डिफेम किया गया है, उसकी बेइज्जती की गई 8 साल इसकी भी करने दो, उसके बाद इलेक्शन होगा देखेंगे कौन जीतता है कौन। अच्छा मरियम भी यही कहती हैं, अच्छा तो फिर उसने इमरान खान ने तो शौकत खानम हॉस्पिटल भी बनाया, ये जुल्किफल की बात है, और साथ इमरान खान को गोलियां भी लगी हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी फिर इसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, बिल्कुल ये भी गोलियां भी खाएं, वो हॉस्पिटल भी कोई बनाए। जब आपको पता होगा जब बेनजीर शहीद हुई है द ग्रेट लॉस फॉर पाकिस्तान, उसी दिन इस पर भी हमला हुआ था, उसी दिन पिंडी इसको बच गया तो लगता वो भी मर जाता, इमरान खान को भी बच गया ना, वो भी इस पर ये भी मारने के लिए हमला हुआ था ना, तो वो बच गया, तो उसमें उसको तो जूतियाँ पड़ी बेचारे को,
उसके मुंह पे जूती मारी है लोगों ने, मुंह काला किया उसका, इसके यहाँ तक हम ने उसको किया, नवाज शरीफ का। आपको पता है ये जंगा नेमिया लाहौर में जंगा नेमिया में तकरीर कर रहा था, उसने पढ़ के जूता मारा उसको, गोलियां तो नहीं लगी, गोलियां आसम को लगी उसको, वो बम ब्लास्ट हुआ उसका, बच गया वो भी, इधर रहता तो वो ख्वाजा आसम को ले आए फिर इनके, वो आसन इकबाल को लगी, आसन इकबाल को गोली लगी। और मजे की बात है जिन्होंने मारी उसको उस वक्त ये उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे कि लबैक बड़ी चीज हो ये और वो, मतलब फिर इमरान खान का मुकाबला करने के लिए आसन इकबाल को सामने ले आए कि इसको भी गोलियां लगी हैं, इसको नहीं, इसको मुकाबला गोली का अच्छा वो लेवल प्लेइंग फील्ड का कि ज़ुल्किफ़ल का वही सवाल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए फिर ऐसा हुआ, आप क्या जवाब देते हैं? वो तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये उस मैं कहूँ कि उस वक्त उसके खिलाफ वो खुदकुशी हमला हुआ था, इसका भी एक दफ़ा होने तो फिर हो जाएगी, वो बच गया थी शायद, बचे ही ना। तो अमजद साहब के साथ हमारी इंशाल्लाह ताला आइंदा भी मुलाकात रहेगी, अमजद साहब ने पूरी कोशिश की है, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस की हैं, बड़ा मतवाजन इनकी गुफ्तगू रही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।